आपके साथ स्वाति मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पुनीत सक्सेना। नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र पत्नी कहा है और इसी के चलते हुए वहां पर विवाद खड़ा हो गया और इसी के चलते हुए सदन में भी हंगामा देखने को मिला। सरकारी स्कूल में 2500 शिक्षक से कैसे हो पाएगी पढ़ाई? नीट पात्रता की वजह से 10 लाख से भी अधिक कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे आवेदन। एक्टर रणवीर सिंह के ऊपर न्यूड फोटोग्राफी करने को लेकर के अभी विवाद चल रहा है। क्या भारत के अंदर ऐसा कोई कानून है कि इसमें उनको सजा दी जाए? यह अभी सवाल निशान खड़ा हुआ। जन आधार में अब एक से अधिक बार भी आप करवा सकते हैं कलेक्शन। अर्पिता चटर्जी ने कबूल लिया है कि पार्क घर के अंदर कैश रखते थे और इसी के चलते भी दूसरे घर से उनके लगभग 28 करोड़ रुपए बरामद किए गए। सीएम ने कॉलेज में लड़कियों के एडमिशन को लेकर जताई खुशी। उन्होंने कहा कि 3 साल में खोले 210 कॉलेज। सागर के अंदर एक सिरिंज से 40 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें आप सभी बता दूं कि उसको एक सिरिंज ही लेकर के भेजा गया था, ऐसा उसका कहना। जयपुर एयरपोर्ट में स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हवा में ही आई गड़बड़ी। कर्नाटक के अंदर मुस्लिम संगठनों ने कॉलेज खोलने का आवेदन दिया है, जिसके चलते वहां पर हिजाब पहन करके बच्चों को आने की अनुमति दी जाएगी। जयपुर में एक युवती की किडनैपिंग की कोशिश की गई। सीकर से रीट की परीक्षा देने जयपुर आई थी। आज से कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भारत के पास में 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। 10वीं पास युवाओं के लिए HAL में बंपर भर्ती निकाली गई है, जिसका अप्लाई आप 10 अगस्त तक कर पाएंगे। शिक्षक घोटाले के अंदर पार्ट के घर ही चोरी होती हुई नजर आई है, जिसमें पड़ोसियों को लगा कि ईडी वहां पर छापेमारी मारने आई है, लेकिन वह असली में चोर थे। जयपुर में एक स्कूली छात्रा के साथ उसके पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी मनाने के लिए होटल में ले गया, जूस में नशीली पदार्थ मिलाकर किया दुष्कर्म। बॉक्स को लेकर के अब सभी को सूचित कर दिया जाता है कि 21 दिन का आइसोलेशन इसमें किया जाएगा। केंद्र की तरफ से आदेश निकाले गए। 73 साल की उम्र में 63 साल की वृद्धा से रचाई शादी। उन्होंने कहा कि धमकी देती थी दूध में जहर मिलाने का। उत्तर प्रदेश के बांदा के अंदर ATM से पैसे निकालने गए युवक को करंट लगता हुआ नजर आया है। उसे करंट लगने के बाद में अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर में होने वाले मिस टीन इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए 19 देशों से जुटी ग्लैमरस मॉडल्स। कार की लोकप्रियता के अंदर सफेद कार की लोकप्रियता 3% घटती हुई नजर आई है और वहीं अब काले कलर की कार की लोकप्रियता 7% तक बढ़ गई। जयपुर में फिर से एक्टिव हुआ कोरोना। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में 4000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए। सोने और चांदी की कीमतों के अंदर एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। 1000 रुपए की तेजी चांदी के अंदर देखने को मिली, तो वहीं सोना भी लगभग 51,000 के पार पहुंचा। 3 दिन के बाद ट्रैप कैमरे के थ्रू पाई गई लापता हुई शेरनी सृष्टि। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फोटो शूट करवाया है अपनी पत्नी के साथ में। वहीं युद्ध के बीच में ऐसी तस्वीरें वायरल होने से उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें रेगिस्तानी इलाकों में भी बारिश का कहर। जोधपुर में 7 मौतें। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र पत्नी कहा है और इसी के चलते हुए वहां पर विवाद खड़ा हो गया और इसी के चलते हुए सदन में भी हंगामा देखने को मिला। 5 मिनट में 25 खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।